एक तो YouTube के लिए टाइम निकालना, वीडियो अपलोड करना, फिर ई कॉमर्स को भी चलाना साथ साथ में। तो ई कॉमर्स के काम में भाई ये प्रोडक्ट जो है मेरे पास है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन लोग यार बड़े नाशुक्र हैं। और बस क्या बोल रहा, अभी मैं नहीं बोल रहा भाई, चूहा अभी तक नहीं पकड़ा गया हमारे पास ना। चूहे को तो छोड़ें, मैंने यहाँ पर ना एक हट लगाया छोटा सा, ताकि परिंदे वगैरह यहाँ पे आके इजली खा सके। आज मैंने देखा कि यहाँ पर चिड़िया वगैरह जो है आई थी, और वो बैठने की कोशिश कर रही थी, उनके मैंने अंदर घोंसला भी शायद बनाना स्टार्ट कर दिया, वो मुझे टिंग के कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो है मेरी चिड़िया यहाँ पर आ चुकी हैं। जब मैं YouTube में स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो देखा मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है वो USA पहुँचे हुए हैं। तो इनकी जब मैंने व्लॉग्स मुख्तलिफ खोले हैं, तो उसमें ये मुझे दिखाई दिया कि ये माशाल्लाह जो है मुफ्ती तारिक मसूद जो है अपने टाइम मैनेजमेंट जो है ना बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं। कैसे, इनमें कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाता हूँ कि ये इन्होंने जो है कुछ मुर्गे भी पाले हुए हैं, और कभी मगरमच्छ दिखाते हैं, कभी सब्जी उगाते हैं। तो घर में इन्होंने पूरा सेटअप किया है, और माशाल्लाह इनकी 3-4 शादियां भी हैं, तो वे लोग को भी मैनेज कर रहे हैं और बाहर मुल्क भी घूम रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आज फेसबुक में स्क्रॉलिंग करते हुए, आज छुट्टी वाला दिन था, तो मैं सोच रहा था कि जी कैसे मैनेज करते हैं, वो क्या करते हैं। तो मेरे सामने एक ऐसी पोस्ट आई इशार अयूबी साहब की, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की हुई थी कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। ज़रा आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक में मैं ऐसे स्क्रॉलिंग करते करते मैं देखा, तो मेरे सामने इशार अयूबी साहब की एक पोस्ट आई, जिन पे ये बताया गया था कि क्या आप टाइम मैनेजमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर था कि कारकुनों के औकात कर की आलमी तकसीम, 8 घंटे काम करें, 8 घंटे अपने अहल खाना के साथ वक्त गुजारना, इबादत, सामाजिक मेलजोल और सैर व तफरी, और 8 घंटे की नींद जो है वो करें। पहले तो 8 घंटे काम करें, अपनी ड्यूटी पे जाएँ, उसके बाद आप 8 घंटे रात कर लिए मखसूस कर दें कि आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, और 8 घंटे जो है सामाजिक मेलजोल और फर्द जो आपकी एक्टिविटीज़ है लाइफ की, उस पर फोकस करें। तो मुझे हर दफ़ा ये इशू आता था कि जी टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है और नहीं होता है, क्या इश्यूज आते हैं। तो मोस्टली मैंने फोकस किया कि हम सोते बहुत देर से हैं, कराची में जो लोग हैं वो सोने के कायल नहीं हैं, क्योंकि वो कम नींद लेते हैं, सुबह फिर ऑफिस भागते हैं, तो वहाँ जो आराम फरमा रहे होते हैं ऑफिस में, तो इस चीज़ का हम भी शिकार थे। तो आज मैंने एक चीज़ नोट की कि इन इसी 3 सेक्शंस को हम ज्वाइन करते हुए हम अपना टाइम जो है मैनेज कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, आप देख सकते हैं मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई यहाँ पर जो ऑर्डर्स तो हैं व्हाट्सएप पर तो काफ़ी आते हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप्स जो हैं उसमें मैंशन किए हुए, और फेसबुक में मार्केट प्लेस में भी ये पोजिशन है, हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर मार्केट प्लेस में भी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो दोनों को आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपके साथ मैंने जो शेयर किया है ये वाला काम जो है रिटर्न वाला, ये बहुत ही ख़राब है, इस चीज़ का बड़ा ख्याल करें। लोग जो है ना वो ऑर्डर करके, ई कॉमर्स में ये होता है कि आपने ऑर्डर कर दिया COD के थ्रू, अगर प्रोडक्ट हमने डिलीवर भी कर दिया तो वो रिसीव नहीं करते, या तो कॉल रिसीव नहीं करते। ऐसे लास्ट टाइम मेरे पास एक और भी ब्रांड था जिनको मैंने ऑर्डर पर डिलीवर किया, लेकिन वो खातून कह रही थी मैंने ऑर्डर नहीं किया, जबकि मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट मौजूद थे। जब उनसे दोबारा मैंने बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे दिन मुझे वो कह रही थी कि आप दोबारा उसको डिलीवर करवा दें, मैं एक्सेप्ट कर दूंगी। और आप लोग जानना चाहते हैं कि ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे होता है, उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, तो कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, इस हवाले से मेरे वीडियो में कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। किसी भी दोस्तों को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा, आप अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो में लिंक शेयर की थी ऊपर यहाँ पर, उसको आप देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम ई कॉमर्स का कैसे स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।